मध्य प्रदेश के जबलपुर में रतन और टाटा के विवाद को लेकर अजीबोगरीब मामला सामने आया है। पुलिस ने चोरी के मामले पर शिकायत दर्ज कर जांच शुरू की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जानकारी के मुताबिक रतन टाटा की लड़ाई में दो बकरियों की मौत हो गई। यह पूरा मामला जबलपुर जिले के चरगवा थाना क्षेत्र के मिर्गा गांव का है, जहां रतन चक्रवर्ती की शिकायत पर पुलिस ने टाटा चढ़ार के खिलाफ दो बकरियों की चोरी और हत्या की FIR दर्ज की है। चरगवा थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। चरगवा थाना प्रभारी विनोद पाठक ने बताया कि मिर्गा निवासी रतन चक्रवर्ती ने 5 दिसंबर को थाने पहुंचकर FIR दर्ज कराई थी कि उसकी दो बकरियां चोरी हो गई हैं और बकरी चोरी करने का शक गांव के ही टाटा उर्फ सुखराम चढ़ार के ऊपर लगाया था। इस पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की तो 7 दिसंबर को जानकारी मिली कि गांव के ही टाटा उर्फ सुखराम चढ़ार ने बकरियां चोरी की थी। पुलिस ने जब टाटा उर्फ सुखराम चढ़ार को ही हिरासत में लेते हुए पूछताछ शुरू की तो टाटा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। टाटा ने पुलिस को बताया कि उसने ही रतन की दोनों बकरियां चुराई हैं और चोरी का नाम ना आए इसलिए सबूत छुपाने के लिए दोनों बकरियों को नहर में फेंक दिया है। पुलिस ने टाटा के द्वारा बताए गए स्थान से दोनों बकरियों के शवों को बरामद करते हुए पूरे मामले में पंचनामा कार्यवाही कर पोस्टमार्टम के वेटनरी कॉलेज भेज दिया है। रतन चक्रवर्ती ने पुलिस को बताया कि आरोपी टाटा उससे बुराई रखता है और इस कारण से उसने ही बकरियों की चोरी को अंजाम दिया है। रतन का कहना है कि बकरियां ही उसकी आजीविका का साधन थी जिसे कि टाटा ने छीन लिया। चरगवा थाना पुलिस ने आरोपी टाटा के खिलाफ धारा 379 और 429 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। रतन चक्रवर्ती निवासी मिर्गा की दो बकरियां चोरी होने की घटना पर थाने में एक FIR की गई है। वो टाटा उर्फ सुखराम चढ़ार के विरुद्ध है। उन्होंने FIR में ही इनके ऊपर संदेह व्यक्त कर दिया था टाटा उर्फ सुखराम के। नमस्कार रीवा, मैं हूं भानु पंडित और मैं हूं अनीता भट्ट और हमारे यहाँ आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने जिसका नाम है उड़ान शाम में गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का जिन्होंने हमें दीवा शहर आमंत्रित किया। तो सी यू ऑल दैट।